हेलो फ्रेंड्स, तो कल का वीडियो मैंने यहीं पे एंड किया था और आज का वीडियो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो जिसने जो वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप। और आप थोड़ा सा वीडियो देख के भाग जाते हो, फिर बोलते मुझे क्या पता कि आप हुआ क्या नहीं हुआ, आपने क्या किया, कहाँ गए क्या नहीं गए। तो इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो फुल वॉच कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी अपनी YT स्टूडियो में जाके चेक करती हूँ तो बहुत बार मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग वो वीडियो देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो बस वही मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग वीडियो पसंद आते हैं मेरे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाओगे। अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और ये है सूरत की, बहुत सारे लोग सूरत गुजरात में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि न्यू बॉम्बे मार्केट है। तो यहाँ पर जो भी साड़ी हम लेते हैं उसका आधा रेट में हमें मिलता है। अगर हम 10,000 की साड़ी पसंद करते हैं तो हमें 5,000 के रेट में मिलती है। तो यहाँ पर ही हम आए हैं। वैसे हर बार यहाँ के कोवे नगर में हम साड़ी ख़रीदने के लिए जाते थे करवा चौथ के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर आए हैं। तो देख लीजिए, ये एक दुकान है तो हम लोग इसमें आ गए हैं। और आप लोग भी हमारे साथ देख लीजिए कि कौन कौन सी साड़ी हैं हम लोगों ने देखी। और अगर पसंद आती है कोई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली साड़ी पसंद आई है या नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुबेर नगर से साड़ियाँ लेकर हम थक चुके थे, बहुत बार हम वहीं से लेते थे। अभी इस बार मैंने बोला कि चलो दूसरी जगह से ट्राई करते हैं साड़ी का। तो अभी ये साड़ी यहाँ पे दिखाने वाले हैं, तो देख लीजिए आप भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग साड़ियाँ एंजॉय कीजिए, साड़ियाँ देख लीजिए। और मुझे आप लोगों से एक बात बतानी है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज मैं जब मंगलसूत्र पहन रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पहनो, और उन्होंने मुझसे छीन के रख दिया। तो मैंने बोला ऐसा क्योंकि आप तो वो बोल रहे थे कि वो मेरी दूसरी बीबी के लिए है, ऐसा मजाक कर रहे थे वो मुझसे। और मुझे इसलिए नहीं पहने दिया क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही होगा बाजार में कितनी सारी भीड़ हो रही है। दिवाली का टाइम चल रहा है, करवा चौथ का टाइम चल रहा है, तो मार्केट में भी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो बहुत डर लगता है, कोई भी किसी भी वक्त खींच के ले जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा पहनने का मन कर रहा था तो उन्होंने मना कर दिया मुझे, और मजाक में ये बात बोली इस तरीके से। तो आप लोग कुछ भी सीरियसली मत लेना। और इसी बात का मैंने टाइटल भी रख दिया है क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों के वीडियो जिनके नीचे ऐसा कुछ टाइटल होता है तो वो भर भर के व्यूज़ आते हैं, इसलिए मैंने भी ट्राई किया। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी, कोई बात नहीं। और तो अब हम यहाँ पे साड़ियाँ देख रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए ब्लैक कलर वाली साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हम डेली के लिए, वो डेली के लिए दिखा रहे थे लेकिन मुझे डेली के लिए नहीं देखना था, मुझे करवा चौथ और शादी दोनों के लिए ही देखना था। और मैंने सोचा कि करवा चौथ के लिए अलग साड़ी खरीदेंगे और शादी में जाएंगे उसके लिए अलग साड़ी खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि देखो 500-500 रुपये वाली अलग अलग दो साड़ियाँ खरीदेंगे, उससे अच्छा है कि हम एक साड़ी खरीद ले 1,000 रुपये वाली। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया तो हमने कहा चलो दूसरे दुकान पे चलते हैं, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उस दुकान वाले ने कहा कि सामने मेरे भाई की दुकान है, आप लोग वहाँ पर चले जाइए। फिर हम वहाँ पर चले गए, जैसे कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना आशीर्वाद, तो बस मैं इसी दुकान पे गई। तो कितने क्यूट क्यूट लहंगा लगे हुए हैं, देख लीजिए आप लोग, लग रहे हैं ना बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा अच्छे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मोना भी देख रही थी, और ये मार्केट बहुत बड़ा है, अभी तो मैं शुरुआत में ही गई थी और मुझे टाइम नहीं था, बहुत सारा सामान खरीदना था, इसलिए तो मैंने पहले बोला कि एक मेरा फ़ोटो खींच दो फटाफट से थंबनेल पे चिपकाने के लिए। तो आ जाइए अंदर दिखाते हैं, ये सारी साड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई थी। और ये देख लीजिए कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ी हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा ये सारे लहंगे रखे हुए हैं, और ये देख लीजिए सारे लहंगे जो शादी के वेडिंग लहंगे हैं ये। और मैंने उनसे कहा कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, मुझे ऐसी चीज़ दिखाइएगा जो मुझे फट से पसंद आ जाए, आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी ना हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दिखाता हूँ, आप देखते चलिएगा। तो ये वाली साड़ी उन्होंने मुझे दिखाया और मोना वीडियो बना रही इस तरीके से, पता नहीं क्यों इसमें झिलमिल, यहाँ पे लाइट ज़्यादा थी ना तो इस तरीके से थोड़ा पता नहीं क्या फॉक्स पड़ रहा था, क्या हो रहा था, तो ये लाइनिंग जैसी आ रही है वीडियो में, तो आप लोग माइंड मत करिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं यहाँ पर,
और रेट मैं नहीं बताऊंगी अभी आपको कि कितने की क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं भी भूल गई हूँ कौन सी साड़ी की कितनी रेट बताई थी। तो इसलिए अब आप लोग यहाँ पे साड़ी इंजॉय करिए। तो मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप बताओ मुझे कौन सी साड़ी आपको पसंद है, तो बोल रहे थे मुझे पहननी है कि तुझे पहननी। मैंने कहा पहननी मुझे, लेकिन आप बता तो सकते हो ना कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो वो एक से एक साड़ी निकालते चल रहे थे, दिखाते चल रहे थे, लेकिन मुझे एक भी साड़ी यहाँ पर भी पसंद नहीं आ रही थी। हालाँकि साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे वो चीज़ चाहिए थी जो एक बार देखने पर ही आँखों को भा जाए, बस मुझे वैसा ही चाहिए था। तो मैंने साड़ी खरीद ली है, वो मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी खरीदी है, और ना ही मैं घर पे दिखाने वाली हूँ आपको। आपको डायरेक्ट करवा चौथ को देखने को मिलेगी जब मैं साड़ी को पहनूंगी। तो यहाँ से मैं साड़ी खरीद के बस मैं आ गई हूँ, और मेरी मामी के साथ गई थी मैं। ये मेरी छोटी वाली मामी है, तो मैं मतलब छोटे से बड़ी दूसरे नंबर वाली मामी जी हैं, तो मैं इनके साथ गई थी। तो उन्होंने रास्ते में कुछ ख़रीदना था, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया थोड़ा सा। मैं और मोना चल रहे थे, फिर रास्ते में चलते चलते हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग गई, तो मामी ने कहा चलो बड़ा पाव खिलाते। तो हमने कहा चलो, तो हम लोग जाएंगे फेमस बड़ा पाव जो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसी वाले दुकान पर खाने के लिए जाने वाली हूँ, तो आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँगी। तो चलिए कौन सा वाला बड़ा पाव खाने वाली हूँ मैं, ठीक है, जिस जिसको खाना है वो आ जाइए फटाफट से, चलिए मिलते हैं उस दुकान पर। तो भाई ले लिया है हमने बड़ा पाव, और इसमें ये बड़ा पाव सादा वाला बड़ा पाव नहीं है। सादा वाला बड़ा पाव होता है वो 10 रुपये में आता है, और ये 15 रुपये में आता है, क्योंकि इसमें बटर के साथ आता है एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा, और इसमें मिर्ची भी आती है तली हुई। तो ये हरी वाली चटनी है और लाल वाली चटनी दोनों आती है, तो मैंने लाल वाली चटनी, मीठी वाली चटनी और तीखी वाली चटनी दोनों को मिक्स कर लिया है, और फटाफट से मैं अपना बड़ा ख़त्म करती हूँ बड़ा पाव। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा बड़ा पाव ही खाते हैं, और पता आप लोगों को मुझे कहीं कहीं ना वीडियो बनाने में इतना अजीब सा लगता है, सब लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या कर रही है पता नहीं। तो फटाफट से हम फिनिश कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी सी देर में आप लोगों को। तो फ्रेंड्स मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए शेयर करती हूँ, आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो, आधे अधूरे छोड़ के भाग जाते हो, इसलिए इसके बाद का जो भी वीडियो है वो मैं नेक्स्ट जो दशहरा का हम लोगों ने पूजा करी थी, हमने जो गाड़ी खरीदी है वो हमने पूजन किया था, तो उसका हम वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अब मैं पहुंच गई हूँ हमारे घर पे, और मोना जा रही है हमारे, जो हमने गाड़ी ली है वो गाड़ी